अस्सलाम वालेकुम। राज की टीम आज एक फिर जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। आज हमें फोन कॉल करके बुलवाया गया है मुल्तान का एक एरिया मुजफ्फराबाद, वहाँ पे बहुत सी एक ही लाइन में जो मुझे इस वक्त नजर आ रहे क्वार्टर बने हुए हैं, और मेरे साथ यहाँ के मकामी जो नज़दीकी जिनका घर है जिन्होंने हमें बुलाया, मैं सबसे पहले उनकी ज़बानी उनसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन है। सर यहाँ पे ये मशहूर है कि यहाँ पे ये सारे क्वार्टर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली आबाद थी। इसके साथ ही ये सामने आप जाएंगे ना यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, तो यहाँ पे सारी फैमिलियाँ थी। यहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, बूढ़ी औरतों की आवाज़ें रोने की आती थी। इसी वजह से सर सारी फैमिली यहाँ से उठ के चली गई है। तो अब ये सारे तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजर गया है, तो ये घर करीब ही है जी, मेरा घर ये साथ ही गली में है। तो रात को क्या आवाज़ें आती हैं? रात को आवाज़ें हंसने की भी आती हैं और रोने की आवाज़ें आती हैं सर, ऐसे खौफ वाली आवाज़ें आती हैं। और आप बता रहे थे कि पिछले दिनों किसी की डेथ हुई? हाँ जी, दो हफ्ते पहले सर यहाँ पे ना एक आदमी की लाश मिली है, तो वो चार दिन के बाद मिली है। चार दिन के बाद पता लगा जी। मुर्तजा रिहान आज हमारे साथ है। अच्छा मुर्तजा, आज आप मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, आप अपना आपको इतना मजबूत करते हैं कि आप अंदर चल सकेंगे? जी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वाकई है या नहीं है। सुनी सुनाई है, मेरी एज है 24 साल। कर लेंगे आप जी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ना करे कुछ तरह की सिचुएशन हुई तो बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, आज हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो क्वार्टर बने हुए हैं जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यहाँ पे रात को अक्सर हंसने और रोने की आवाज़ें आती हैं, जो पहले आबाद थे और फैमिलियाँ उन आवाज़ों की वजह से इनको छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये गैर आबाद हो गए हैं। एक इंसान की डेथ भी हुई है दो हफ्ते पहले और चार दिन बाद उसकी लाश में मिली है। यहाँ पे ऐसा क्या राज है जिसने अहले इलाका को परेशान कर रखा है? आज हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बैकअप पे बहुत से दोस्त मेरे साथ हैं, रहील उसी तरह जिसका मेरे सर एक फ़ोन कॉल पे रबते में होता है, रबते में होंगे। आए अल्लाह का नाम लेते हैं। स्टाइल से भी लग रहा है जी सर कि काफ़ी पुराने ये क्वार्टर बने हुए हैं। हाँ जी, और मुसलसल कहते थे गैर आबाद हैं, और गैर आबाद होने की जो हमें रीज़न बताई गई है वो ये है कि यहाँ पे अक्सर हंसने और रोने की जो आवाज़ें आती हैं जी सर, उसी वजह से लोग खौफज़दा हो गए तो छोड़ दें। हाँ जी, टीम को मैं अलर्ट करूंगा एक बात से, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा प्रोग्राम क्योंकि सांपों का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है जी, और ये झाड़ियाँ जितनी बड़ी हैं जी इनमें रिस्की हो जाएगा। आप लोग स्पीड से गुजरेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे की तरफ आ जाएं क्योंकि झाड़ियों से अपने वासिम अपने आप को झाड़ियों से बचा के ज़रा स्पीड ही आप लोग निकलेंगे। मौसम ऐसा है कि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और ये बहुत गैर आबाद हैं, इतने अरसे से जो वीरान पड़े हैं जी सर। ये सामने सामने सर देखो, ये सारे खंडर हैं ये। मकान की हालत से लगता है काफी अरसे से गैर आबाद हैं जी। पहले क्लियर करूंगा उसके बाद आप अंदर आएंगे क्योंकि ठीक मौसम ऐसा है, कोई चीज ऐसी ना हो, कोई जानवर ऐसा जो आए। राजीव साहब वो है, ये चक्कर आने शुरू हो गए, थोड़ा सा बाहर आ जाएं, तो क्या वजह? सर भारी थी ना पे थोड़ा? हाँ जी सर, चक्कर से आ रहे, थोड़ा सा सर भारी हुआ मेरा, पता नहीं क्यों ऐसे ही शायद। आए अगले के चित्र चलते हैं। छोटा सा एक क्वार्टर टाइप ये बना हुआ है रेलवे का, जिसमें एक कमरे का नहीं एक साथ कमरा हो, एक ये भी है, ये भी है सर। मुझे आगे जाने दें, मुझे लॉन्ग शूज पहने हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई जानवर हुआ तो। Thank you.
ये देखें सर, ये बोतल रखी हुई है। इस कमरे में वो कंडीशन नहीं हुई जी जो उसमें हुई है। ये सारा झाड़, ये कबासन दिखाएगा, ये सारा प्लेट पे उस कमरे में बहुत अजीब सी हालत हुई है। पता नहीं क्यों ऐसे सबका सर भारी सा हो गया जी सर। कोई खौफ वाली कंडीशन किसी की नहीं थी, ना अभी तक हमारी खौफ वाली कंडीशन है, ना कुछ ऐसा हमें फील हुआ है। तो शायद उसके अंदर स्मेल इस तरह की थी जी, या मैं उसको क्या समझूँ कि एकदम सर कुछ लम्हों के लिए भारी हो गया था। डर वही है यार, ये जो झाड़ियां ना जितनी बड़ी बड़ी जी सर, जानवर ने सर हमला... काफी अरसा हो गया यहाँ पे, कोई रहायश नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये झाड़ियां तो होंगी सर इसी वजह। ये उल्टी वाली कंडीशन सर बहुत ही गंदी समय है। सर आप ठीक हैं? उल्टी वाली कंडीशन, ये ऐसी स्मेल है बहुत गंदी जी। सर भाई बाहर आए जो खुली हवा।